हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहानरिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विद कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक कहता है, मॉम आई एम लीविंग, आज ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। तेयंग कहता है, अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जोंगकुक धीरे से कहता है, अगर तुम्हारे भरोसे रहे तो कंपनी एक दिन में ही बंद करना पड़ेगा। मिसेस जियोन कहती हैं, टेक केयर स्वीट हार्ट। जोंगकुक कहता है, ओके यू ऑल्सो टेक केयर योर सेल्फ, मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगा। तेयंग कुर्सी से उठकर मिसेस जियोन से गले मिलकर स्माइल करके कहता है, टेक केयर। मिसेस जियोन कहती हैं, जोंगकुक का ख्याल रखना। तेयंग अपने मादर इन लॉ की बात पर नोट करके कमरे से बाहर चला जाता है। मिसेस जियोन कहती हैं, जोंगकुक क्या तुम खुश हो बेबी, ते बहुत अच्छा लड़का है। जोंगकुक मन ही मन कहता है, गुड पर्सन माय फूड, आई हेट हिम, ही इज़ द वर्स्ट, एक्चुअली आई हेट माई सेल्फ। मैं क्यों उस दिन मिस्टर किम के बात मानकर कॉन्टैक्ट मैरिज के लिए एग्री हुआ था। मिसेस जियोन अपने बेटे को शांत देखकर फिर से कहती है, जोंगकुक क्या बात है, क्या तेयंग ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? वो तुम्हें तंग करता है, तुम्हें बुली करता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, मैं आपको ये बात कैसे बताऊँ कि उसने मेरे साथ क्या किया है। जोंगकुक व्हाट हैपेंड बेबी, टेल मी, मैं उसके साथ बात करूँगी। जोंगकुक कहता है, मॉम आपको खाने में ड्रग्स मिक्स्ड नहीं करना चाहिए था, कल जो कुछ भी हुआ इसमें आप भी शामिल हो। मिसेस जियोन कहती है, बेबी अभी तेय यहाँ नहीं है, उसने क्या किया तुम्हारे साथ, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो। इससे पहले कि मिसेस जियोन और कुछ कहती, जोंगकुक कहता है, मॉम आई एम बिजी, मुझे जल्दी ऑफिस पहुँचना है। यह कहकर जोंगकुक घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ सनराइज की रोशनी जिमिन के आंखों में पड़ते ही जिमिन के नींद टूट जाता है। सूरज की रोशनी से जिमिन को एहसास हुआ कि अगला दिन हो चुका है। जिमिन घड़ी में टाइम देखकर बेड से उतरकर वर्क पर जाने के लिए वार्डरोब से कपड़े निकालने लगता है, तभी उसका मोबाइल बजता है। जिमिन नाइट स्टैंड के पास से मोबाइल हाथ में लेकर योंगी के फ़ोन नंबर देखकर डर जाता है। जिमिन के पास दो फ़ोन है, एक काल रात ही जिमिन स्विच ऑफ कर दिया था, वो भी योंगी के वजह से, जब योंगी ने उसे कॉल करके बार बार परेशान कर रहा था, उसे मैसेज कर रहा था, उसे धमकी दे रहा था। जिमिन के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। जिमिन कहता है, उसे इस नंबर के बारे में कैसे पता चला, फ़ोन रिंग होकर बंद हो गया था। जिमिन बाथरूम के अंदर आकर शावर ऑन कर कपड़े उतारने लगता है। कल जो कुछ भी हुआ जिमिन इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वाटर की ड्रॉप जिमिन के शरीर से टच हुआ, जिमिन को रियलिटी का एहसास हो गया कि एक कोई बुरा सपना नहीं था। जिमिन शावर फिनिश कर जल्दी से ड्रेस पहनकर नाश्ता करके घर से कैफे के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जोंगकुक बाहर आकर देखता है तेयंग को, तेयंग जो कार में बैठकर उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। जोंगकुक कहता है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मैं अपने लिए टैक्सी ले लूँगा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहूँगा। तभी ड्राइवर कार से बाहर निकलकर सिर झुकाकर जोंगकुक को ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर, मुझे यह मिस्टर किम ने आप दोनों को लेने के लिए भेजा है। मिस्टर किम के बारे में सुनकर बिना कुछ कहे जोंगकुक कार के अंदर बैठ जाता है। जोंगकुक कार के अंदर आकर तेयंग से कहता है, तुम इतने पास क्यों बैठे हो, कार में इतने सारे जगह है, वह मूव हो जाओ। तेयंग कहता है, नहीं आई डोंट वॉन्ट टू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से बैठने में। जोंगकुक तेयंग को जेलस फील कराने के लिए पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, बेबी आई मिस यू, क्या तुम सियोल में हो, ठीक है तो आज रात क्लब में मिलते हैं। एक कहकर जोंगकुक कॉल कट कर देता है। तेयंग कहता है, तुम किससे बात कर रहे थे, कौन था वो।
जोंगकुक कहता है, तुम्हें इससे क्या, मैं किसी से भी बात करूं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम और मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट मैरिज कपल हैं। ये सुनकर तेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तेंग गुस्से में जोंगकुक को कार के विंडो से पिन करके कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम किसके साथ बात कर रहे थे, कौन था वो? जोंगकुक कहता है, तुम्हें एक क्यों जानना है, क्या तुम्हें जलन हो रहा है? तेंग कहता है, नहीं। जोंगकुक तेंग को और जलाने के लिए कहता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड योनो से बात कर रहा था। तेंग और जोंगकुक दोनों ऑफिस आ जाता है। बॉयफ्रेंड वाली बात से तेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। जोंगकुक ऑफिस आकर मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी स्टाफ आकर जोंगकुक से कहता है, सर क्या आप तैयार हो? सभी बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर मीटिंग रूम में पहुंच चुका है और सब आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। जोंगकुक कहता है, ओके मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। जोंगकुक मीटिंग रूम में जाने से पहले एक बार फिर सब कुछ चेक करता है। जोंगकुक जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर करता है, तेंग को स्टाफ लेडी के साथ बीच में बैठकर उनके साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है, जिसे देख जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जोंगकुक गुस्से में लैपटॉप टेबल के ऊपर रखता है, जिससे साइलेंस रूम में अचानक भयानक आवाज़ क्रिएट होता है। सबके नज़रें जोंगकुक पर जाता है। जोंगकुक तेंग की ओर देखकर कहता है, मिस्टर किम तेंग, आपको शायद पता नहीं, इस कमरे में सब लोग ज़रूरी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुआ है, न कि रोमांस करने के लिए। जोंगकुक स्टाफ लेडी की ओर गुस्से में घूरने लगता है। स्टाफ लेडी तुरंत तेंग के बगल से हटकर अपने अपने सीट पर आकर बैठ जाता है। तेंग कहता है, ठीक है, ऐसे भी इस ऑफिस में मेरे टेस्ट का कोई नहीं है, इन सब में मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। आई थिंक तुम्हें न्यू एम्प्लॉय के चुनाव के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहिए। आई वॉन्ट फ्रेश पीस, यू नो। जोंगकुक गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्या आप हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तेंग कहता है, गो अहेड। दूसरी तरफ जिमिन जब कैफे पहुंचता है, जिमिन एवरी डे की तरह क्लोथ चेंज करने चेंजिंग रूम में आ जाता है, तभी वहाँ मैनेजर आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिमिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मैनेजर पॉकेट से एक एनवलप निकाल कर जिमिन के सामने आगे करके कहता है, इसे लो। जिमिन पैकेट हाथ में लेकर कहता है, इसमें क्या है? मैनेजर कहता है, इसमें तुम्हारी सैलरी है, इसे लो। आपसे तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जगह हमने किसी और को काम पर रख लिया है। जिमिन कहता है, लेकिन मुझे काम से क्यों निकाला? मैनेजर कहता है, तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर मैनेजर चेंजिंग रूम से चले गए। जिमिन एनवलप पॉकेट के अंदर रखकर कैफे से निकल जाता है। मीटिंग ख़त्म होते ही तेंग तुरंत ऑफिस से निकल जाता है। तभी यूंग की तेंग को कॉल करता है। तेंग कॉल रिसीव करके कहता है, यस। यूंग की कहता है, क्या तुम आज रात फ्री हो? तेंग कहता है, नहीं मैं बिजी हूँ। यूंग की कहता है, हम सब आज रात क्लब जा रहे हैं, सोचा तुम्हें भी इन्फॉर्म कर दूँ। क्या जोंगकुक के साथ तुम्हारा कोई प्लान है? तेंग कहता है, तुमने अभी क्या कहा, तुम लोग क्लब जा रहे हो है ना? यूंग की कहता है, तेंग कहता है, ओके मैं भी पहुँच जाऊँगा। तेंग मेंशन आकर मेट से जोंगकुक के बारे में पूछता है। मेट सिर झुकाकर कहता है, हम कुछ नहीं जानते, जोंगकुक सर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तभी तेंग के मॉम कहती है, जोंगकुक पार्टी करने क्लब गया है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो मेट से कह दो। तेंग कहता है, क्या आपको पता है जोंगकुक किसके साथ पार्टी करने गया है? मिसेस किम कहती है, हाँ पता है, जोंगकुक का चाइल्डहुड फ्रेंड सियोल आया है, जोंगकुक उसी से मिलने के लिए गया है। क्या उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तेंग बिना कुछ कहे ऊपर बेडरूम में आ जाता है। तेंग कमरे में आकर गुस्से में सभी चीज़ तोड़ने लगता है। तेंग के डर से कोई भी उसके कमरे के अंदर जाने की और उसे इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। तेंग सभी चीज़ तोड़ने के बाद फ़ोन निकाल कर जोंगकुक को मैसेज करता है।
तुम जहाँ भी हो अभी के अभी घर वापस आओ। जोंगकुक मैसेज रीड कर कॉन्फ्यूज हो जाता है, ते मुझे मैसेज क्यों कर रहा है और मैसेज करके घर क्यों बुला रहा है, क्या उसे सच में जलन हो रहा है? नहीं, ए मैं क्या सोच रहा हूँ, जलन और उसे, ते मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। उसके जैसा लड़का किसी के भी प्यार डिजर्व नहीं करता है। जोंगकुक उसे कोई रिप्लाई नहीं करता है। तेयंग उसे कॉल करता है। लाउड म्यूजिक के वजह से जोंगकुक को फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं देता है। जोंगकुक यूनो के साथ बात करने में बिजी था, तभी अचानक यूनो का ध्यान जोंगकुक के फ़ोन पर जाता है। यूनो कहता है, तुम्हें किसी का कॉल आ रहा है। जोंगकुक कहता है, ज़रूर ये उसी का होगा। यूनो कहता है, कौन? तुम्हारा हस्बैंड? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम उसका कॉल नहीं उठाओगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। दरअसल यूनो और जोंगकुक चाइल्डहुड फ्रेंड है। जोंगकुक कहता है, नहीं वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि तेयंग मुझसे प्यार ही नहीं करता। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। अब मैं उसके दिल में और दिमाग में कहीं पर भी नहीं हूँ। जोंगकुक यूनो से बात कर ही रहा था, तभी जोंगकुक देखता है तेयंग को, जो अपने दोस्तों के साथ क्लब के अंदर एंटर कर रहे थे। जोंगकुक तेयंग को आते देख तुरंत यूनो का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए कहता है, चलो चलकर डांस करते हैं। यूनो कहता है, ओके। दोनों डांस फ्लोर पर आ जाता है। जोंगकुक यूनो के करीब आकर उसके कान में कहता है, एक हाथ मेरे कमर पर रखो। यूनो कहता है, क्या? जोंगकुक कहता है, अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तेयंग हमारे तरह भी देख रहा है। यूनो कहता है, क्या तुम मुझे जेलस फील करवाना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसके सामने तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूं? जोंगकुक कहता है, यस यू आर राइट। जिमिन को कैफे से निकाल देने के बाद जिमिन अपने लिए दूसरे कैफे में जॉब ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कैफे में कोई भी जॉब नहीं मिलता। जिमिन के पास अब क्लब में जॉब ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर उसे नई जॉब नहीं मिलेगा तो उसके लिए कमरे की किराया और आदर्श स्टाफ के लिए पैसा नहीं होगा। बहुत ढूंढने पर जिमिन के क्लब में जॉब मिल जाता है, जहां उसे सिर्फ नाइट में ड्यूटी करना है। जिमिन यूनिफॉर्म पहनकर जॉब स्टार्ट करने से पहले आंखें बंद करके मन ही मन सोचता है, आई होप इस बार मैं उस शैतान से ना मिलूं। तभी उसे एक फैमिलियर वॉयस सुनाई देता है, गुड टू सी यू माई लव। वॉयस सुनकर जिमिन के हार्ट बीट रुक जाता है। जिमिन अब आंखें खोलकर सामने देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। ये और कोई नहीं, योंगी था। योंगी जेहोप के साथ चलकर जिमिन के नज़दीक आकर फोर्सफुली जिमिन के हाथ अपने हाथों के बीच में होल्ड करके झुककर उसके हाथ के ऊपर किस करके कहता है, यू लुक ब्यूटिफुल माई लव। जिमिन अभी भी योंगी की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। योंगी कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? जिमिन कुछ नहीं कहता है। योंगी कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम यह क्लब में क्या कर रहे हो? जोंगकुक तेयंग को दिखाने के लिए यूनो के चेहरे पर और लिप्स पर फिंगर से स्लाइड करने लगता है, जिसे देख तेयंग को गुस्सा आ जाता है। तेयंग के सामने टेबल पर जो ड्रिंक्स रखा हुआ था, तेयंग गुस्से में सभी ड्रिंक्स के बॉटल को तोड़ने लगता है। एक एक शराब की बॉटल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तेयंग गुस्से में डांस फ्लोर पर आकर जोंगकुक के हाथ पकड़ कर फोर्सफुली अपने पास लेकर आता है। जोंगकुक कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू मैड? लीव माई हैंड। तेयंग नामजिन से कहता है, उसे तब तक मारो जब तक उसके दिमाग से जोंगकुक के ख्याल ना निकल जाए। नामजिन उठकर यूनो को बेरहमी से मारने पीटने लगता है। अचानक म्यूजिक स्टॉप हो गया था। क्लब में सब डर के मारे इधर उधर भाग रहा था और बाहर जाने लगता है। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तेयंग को ये सब करने के लिए रोक सके। क्लब जॉब के फादर का है। इससे पहले कि योंगी जिमिन के साथ कुछ भी कर पाता, अचानक तोड़ फोड़ के साउंड सुनकर
यूंगे पीछे मुड़ता है। जब उसने देखा नामजिन किसी को पीट रहा है, जेहुप और यूंगे तुरंत वहां आ जाता है। जोंगकुक यूनो को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तेंग टाइटली उसका हाथ पकड़ लिया था। जोंगकुक अपने आंखों के सामने बिना किसी गलती के यूनो के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता था। जोंगकुक कहता है, क्या चाहते हो तुम? तेंग कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जोंगकुक कहता है, तुम्हें जो चाहिए था वो तो कल रात ही तुमने जबरदस्ती करके छीन लिया था मुझसे, अब और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों तुम मेरे लाइफ में दखल दे रहे हो? मैं किससे मिलूं और किससे बात करूं? इससे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? हम दोनों नॉर्मल कपल नहीं हैं। मैं यूनो से प्यार करता हूँ। तुम अपने दोस्तों को अभी रुकने के लिए कहो, वरना बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जोंगकुक के मुँह से इस तरह के वर्ड सुनकर तेंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तेंग एक हाथ से जोंगकुक के जॉ टाइटली होल्ड करके कहता है, बहुत प्यार करते हो ना तुम यूनो से? जोंगकुक कहता है, हाँ मैं यूनो से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तेंग कहता है, ठीक है तो साबित करो तुम उससे कितना प्यार करते हो, अब तुम ही उसे बचा सकते हो। जोंगकुक कहता है, क्या करना पड़ेगा? तेंग कहता है, जाओ जाकर खुद को बेच दो। तुम्हें पता है ना, यह रात के 2 बजते ही बड़े बड़े माफियास और ड्रग डीलर्स आता है, और ये लोग सिर्फ बिजनेस मीटिंग या फिर डील करने के लिए नहीं आता है, ये लोग या वन नाइट स्टैंड के लिए भी आता है। एक रात के लिए लोगों को खरीदता है, उनके पास खुद को जाकर सेल कर दो। जोंगकुक कहता है, क्या खुद को सेल कर दो? तेंग कहता है, हाँ अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो उसके बारे में भूल जाओ। तभी जोंगकुक कहता है, ठीक है मैं खुद को बेचने के लिए तैयार हूँ, उसे जाने दो। तेंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तेंग को ये नहीं लगा कि जोंगकुक इसके लिए एग्री हो जाएगा, उसे लगा कि जोंगकुक मना कर देगा, गुस्सा हो जाएगा। तेंग के आंखें वाइडन हो जाता है। तेंग कहता है, तुम्हारे लिए वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके अगर वो तुम्हारे लिए इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डोंट ड्रॉप योर वर्ड लास्ट टाइम। अगर तुमने ऐसा किया देन मैं भी इसका कोई गारंटी नहीं देता कि ये जिंदा होगा भी या नहीं। जोंगकुक तेंग से हाथ छुड़ा कर क्लब के जिस एरिया में स्ट्रीपर की बोली लगाया जाता है वहाँ जाकर स्टेज पर खड़े हो जाता है। स्टेज के ऊपर जोंगकुक जितना ब्यूटीफुल और हॉट और कोई नहीं था, सब उसी के लिए बोली लगा रहे थे। उनमें से 2 लोग स्टेज पर आकर जोंगकुक के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे इनएप्रोप्रिएटली टच करने लगता है। ये सब कुछ देखकर तेंग के खून खोलने लगता है। तेंग स्टेज पर आकर उन आदमी को मारने लगता है। तेंग कमर से बेल्ट निकालकर बेल्ट से उन दोनों को मारने लगता है। जोंगकुक तेंग के हाथ पकड़ कर कहता है, तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? तुम तो यही चाहते थे ना, तो अब क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? ये लोग तुमसे ज़्यादा बेटर है, कम से कम इन्हें मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन तुम तो हस्बैंड होकर मुझे खुद सेल करने के लिए कहा है। तेंग जोंगकुक के गाल पर जोर से स्लैप करता है और उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए उसे क्लब से बाहर लेकर आता है। तेंग उसे बाहर लाकर कार के अंदर पुश करता है। तेंग ड्राइवर से कहता है, कार मैं खुद ड्राइव करूँगा, चाबी मुझे दे दो। ड्राइवर ठीक है सर कहकर कार की चाबी तेंग के हाथ में रख देता है और तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। तेंग कार के अंदर आकर बैठकर कार पागलों की तरह ड्राइव करने लगता है। कार की स्पीड से जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जोंगकुक कहता है, कार धीरे चलाओ, स्टॉप दी कार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। तेंग फिर से जोंगकुक के गाल पर स्लैप करके कहता है, शट अप, एक और शब्द नहीं। बहुत शौक है ना दूसरों के साथ चिपकने की, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम अपने पूरे ज़िंदगी में भी नहीं भुला पाओगे, तुम्हारे पर काटने का समय आ गया है। जोंगकुक बार बार तेंग को कार की स्पीड कम करने के लिए कह रहा था और सामने देखकर ड्राइव करने के लिए कह रहा था, लेकिन तेंग गुस्से में कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था।
टैंग गुस्से में पागल हो चुका था। टैंग एक हाथ से चंगुक के हाथ पकड़कर उसे अपने गोद में बिठाकर जबरदस्ती उसे किस करने और उसके गले में डीपली बाइट करने लगता है। जोंगकुक स्ट्रगल करने लगता है। इसे देख को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तैयंग एक हाथ से जोंगकुक के शर्ट सामने से फार कर उसका बॉडी से अलग कर देता है। तभी सामने से एक ट्रक आकर तैयंग के कार में धक्का देता है। धक्का लगने के तुरंत बाद एक भयानक आवाज़ होता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी इन्जॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।